तो दोस्तों आइए, हम ये बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कि हमें अयोध्या का प्रसाद ग्रहण करने को मिला है। दोस्तों चलते फुल वीडियो को देखते हैं और एंजॉय करते हैं अयोध्या। हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। दोस्तों हम इसमें जो सबसे मेन मंदिर है राम जन्मभूमि, वहाँ पर दोस्तों अब हम पहुँचने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों चलिए आज हम दिखाते हैं अयोध्या का राम मंदिर, राम जन्मभूमि। दोस्तों इसके पहले हमने बहुत से मंदिरों में गए हैं, सबका लिंक दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जैसे नाव घाट, नागेश्वर धाम और भी दोस्तों बहुत से थे मंदिर, सब कुछ घूमे दोस्तों। अब हम लोग यहाँ से चलने वाले हैं राम जन्मभूमि, वहाँ से कनक भवन, फिर राजा दशरथ महल, फिर हनुमानगढ़ी है दोस्तों, ये सब घूमेंगे। दोस्तों जो लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। दोस्तों चलते हैं, जाएंगे तो सामने बिरला धर्मशाला है, वहीं गाड़ी खड़ी है अपनी, ठीक है, भटक गए तो बिरला धर्मशाला। तो दोस्तों हम जो है इस समय चल दिए हैं राम जन्मभूमि की ओर, जहाँ पर दोस्तों राम जी का मेन मंदिर बनाया जा रहा है। इससे पहले दोस्तों हमने बहुत सारे मंदिर को घूमे, अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग चैनल के अंदर जाकर देख लीजिए, और हम जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उसका दे देंगे, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे की ओर, देखते हैं दोस्तों आज वहां का क्या नज़ारा है। राम मंदिर जाएंगे, उसके बाद दोस्तों बैग कहाँ पे, सब कुछ घूमेंगे। अभी अपने को जाना है दोस्तों राजा दशरथ महल, हनुमानगढ़ी। दोस्तों अब यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं, यहाँ से दोस्तों हम बारी बारी सब में जाएंगे, सब कुछ देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग एक बार प्लीज़, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी, दोस्तों आल वाली घंटी को प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँचता रहे कि हमने अगला वीडियो कौन सा अपलोड किया है। दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम राम मंदिर के साइड में आ चुके हैं। यहाँ से दोस्तों राम मंदिर की जो बाउंड्री है, जो बैरिकेटर किया गया है, वो दोस्तों यहाँ से चालू होगा। दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी हाई अलर्ट है कि अभी हम आगे चलते हैं तो अपने को मालूम पड़ेगा कि अभी क्या माहौल है आगे। अभी हम लोग अंदर जा सकते हैं कि क्या करेंगे वो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल हम लोग चलते हैं। दोस्तों यहाँ से ही लोगों के मुंह से सुनने में आ रहा है कि सिक्योरिटी जो है कि बहुत ही हाई अलर्ट पर है। अभी दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं बाउंड्री के साइड में। अभी दोस्तों ये मेन दीवार नहीं है, मेन दीवार आपको आगे मिलने वाला है। अब दोस्तों हम धीरे धीरे आगे तक पहुँच गए हैं। अब दोस्तों हम लोग बहुत जल्द राम मंदिर के करीब पहुंचने वाले हैं। अभी दोस्तों हम वहां के पास में हैं। दोस्तों यहां पर सुनने में आ रहा है कि सिक्योरिटी की वजह से आदमी कोई भी कैमरा, फ़ोन, मोबाइल और भी ऐसे सब कुछ भी लेकर वहां पर जा नहीं सकता है। दोस्तों हम चलते हैं आगे, अगर संभव रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं रहेगा तो हम दोस्तों वहाँ से किसी और अपना जो है टॉपिक को चेंज करेंगे, क्योंकि दोस्तों कानून जो है सबके लिए बहुत ही बड़ा होता है दोस्तों। और दोस्तों जहाँ का जो नियम है उसी नियम के हिसाब से हमको जो है दोस्तों चलना पड़ता है। दोस्तों यहाँ का नियम दोस्तों यही है कि आपको मोबाइल कैमरा अंदर लेकर नहीं जाना है। तो दोस्तों हम जो है चलते हैं किसी और। दोस्तों हम इसमें आ गए हैं राम रसोई। जी हाँ दोस्तों, राम रसोई। ये दोस्तों जो मंदिर दिख रहे हैं ये थोड़ा पुराना मंदिर है, बहुत पुराना तो नहीं है लेकिन दोस्तों जल्दी बना है मेन मंदिर। दोस्तों वो अंदर बनाया जा रहा है, इसके चारों ओर से दोस्तों उसको बैरिकेड किया गया है कि कोई भी बंदा मोबाइल से, कैमरा से अंदर नहीं जा सकता है। दोस्तों हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन दोस्तों हम राम रसोई में दोस्तों आपको खाना जो है भरपेट मिलता है, वो भी मुफ्त में मिलता है। अगर जो भी श्रद्धालु आए हैं दोस्तों यहाँ पर, उसको प्रसाद भी बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, हम देखते हैं क्या प्रोसेस है।
यहाँ पर दोस्तों देखिए सब लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको टोकन मिलेगा, एक आधार कार्ड पे चार लोग खाना खा सकते हैं। आपके पास दोस्तों आधार कार्ड का नंबर या आधार कार्ड रहना चाहिए। दोस्तों राम रसोई में आप लोग जूते चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं, आपको जूता चप्पल यहीं पर आपको उतारना पड़ेगा और पैर को धूल कर तभी आप अंदर जा सकते हैं। देखिए दोस्तों लिखा है अमावा राम मंदिर, दोस्तों ये है अमावा का राम मंदिर है, इसे दोस्तों राम मंदिर बोलते हैं। तो हम दोस्तों इस समय जूते चप्पल निकाल चुके हैं और दोस्तों अब हम आ गए दोस्तों देखिए राम रसोई अमावा मंदिर के अंदर। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है कि कार्यक्रम चालू है, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं अपना नाश्ता पानी कर रहे हैं। दोस्तों मंदिर भी सामने है अमावा वाला, तो अभी दोस्तों हम जो है अभी नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम दोस्तों आपको जो भी यहाँ का मंदिर है, यहाँ का जो भी सिस्टम है, आप लोगों को बारीकियों से बताएंगे। दोस्तों एक बार प्लीज़ मैं आपसे फिर दोबारा कहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर दोस्तों फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम दोस्तों इसी तरह की वीडियो आपको कंटिन्यू देते रहेंगे। दोस्तों हम भी चलते हैं कहीं बैठ जाते हैं। दोस्तों हम देखिए यहाँ पर बैठ चुके हैं, अभी हमको थाली मिल चुका है, अभी यहाँ पर प्रसाद आने वाला है, प्रसाद आएगा तो वो भी दिखाएंगे। अभी दोस्तों देखिए प्रसाद आ चुका है और हमने भी यहाँ पर नाश्ता करना शुरू कर दिया है। जय श्री राम। दोस्तों आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जय श्री राम। और दोस्तों आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमको ये पता चले कि हमारी वीडियो यहाँ तक देखी जा रही है। दोस्तों देखिए ये हनुमान जी का मंदिर है, और देखिए दोस्तों अभी हम आपको मेन मंदिर दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए भोजनालय का मैंने प्रसाद और सब कुछ व्यवस्था किया गया है। ये दोस्तों देखिए दुर्गा माता जी का मंदिर है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर भी एक मंदिर है, यहाँ पर भेंट पात्र मैंने मंदिर के नाम से जो भी आपके 10, 5, 100, 1000, 500 जो भी आप दे सकते हैं अपनी स्वेच्छा अनुसार यहाँ पर दान कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर बहुत से मंदिर बनाए गए हैं, जिसको आपको देखकर आप समझ नहीं पाएंगे कि यह वास्तव में है या कोई आदमी बैठा है। दोस्तों देखिए ये श्री राम महल है, यहाँ पर दोस्तों देखिए आदमी लोग भोजन कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर दिन भर ऐसे ही चलता आता है, कभी बंद नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों श्री राम दरबार, दोस्तों देखिए यहाँ पर राम जी हैं और भी हनुमान जी हैं, सब लोग इनके दरबार बैठे हुए हैं। ये दोस्तों देखते हैं क्या है, श्री गुरु महाराज जी। दोस्तों ये भी आप लोग देख लीजिए, एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है। दोस्तों आप अगर अयोध्या कभी भी अगर आए हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय अयोध्या। दोस्तों हम अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे राजा दशरथ महल। जी हाँ दोस्तों, राजा दशरथ महल। दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में।